हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइज़र ग्रुप में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि अगर आपके इस्टेब्लिशमेंट पे ESIC के प्रोविज़न लागू होते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉइज़ का मंथली कंट्रीब्यूशन और चलान फाइल करना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जैसे आप चलान फाइल कर रहे थे अपने एम्प्लॉइज़ का मंथली कंट्रीब्यूशंस के बाद में, लेकिन आप अपना चलान नंबर राइट डाउन करना भूल गए हैं। उसके बाद में आपको अपना चलान नंबर कहां से ऑब्टेन करना है और आपको कैसे कंप्लीट पेमेंट कर लेना है। इसके साथ साथ हम आपको इस वीडियो में ये भी दिखाएंगे कि अगर आपके इस्टेब्लिशमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ कम है तो आप बिना एक्सेल शीट फाइल किए अपने एम्प्लॉइज़ का मंथली कंट्रीब्यूशंस डायरेक्ट कैसे फाइल कर सकते हैं। चलिए तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने एम्प्लॉइज़ का मंथली कंट्रीब्यूशंस बिना एक्सेल शीट फाइल किए कैसे फाइल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको लेकर चलते हैं एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस की ऑफिशियल साइट पर। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको आ जाना है इफ़ यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल द सर्टिफिकेट देन क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका यूज़र नेम, हमने यहाँ से ऑलरेडी सेव किया हुआ है, देन पासवर्ड और कैप्चा फाइल करना पड़ेगा। तो चलिए हम कैप्चा फाइल कर लेते हैं। जैसे आप कैप्चा फाइल करेंगे और एंटर करेंगे तो आपको ESIC का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको सिंपल जाना है फाइल मंथली कंट्रीब्यूशंस पर। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि अगर आपके इस्टेब्लिशमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ कम है तो आप अपने एम्प्लॉइज़ का मंथली कंट्रीब्यूशन बिना एक्सेल शीट फाइल किए कैसे डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं। एक्सेल शीट के थ्रू अगर आप मंथली कंट्रीब्यूशन फाइल करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहां पर भी उस वीडियो पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आपको आ जाना है सेलेक्ट के ऑप्शन पर, जहां से आप अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे जिस पीरियड के लिए आप अपने एम्प्लॉइज़ का मंथली कंट्रीब्यूशन फाइल कर रहे हैं उसके लिए आप, उसके बाद आपको आ जाना है ईयर पर, किस ईयर में फाइल कर रहे हैं, और यहाँ पर मंथली कंट्रीब्यूशन ही रहने देंगे। देखिए सप्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशंस, अगर आपने मंथली कंट्रीब्यूशन फाइल कर लिया है लेकिन आपको उस मंथली कंट्रीब्यूशंस में किसी एम्प्लॉय की सैलरी कम, आपने वेजेस कम शो की है, या कुछ आपसे गलती हो गई है, या कुछ एम्प्लॉयज़ छूट गए हैं, तो उस केस में आपको सप्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशंस पर क्लिक करके आपको इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ से मंथली कंट्रीब्यूशन ही रहने देते हैं। उसके बाद आपको आपका एम्प्लॉयर कोड नज़र आ रहा है, ये ऑटोमेटिक ही फिलअप होता है। इसके बाद आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे फ्रेंड, एक ऑप्शन है आपका अपलोड एक्सेल और दूसरा है सैम्पल MC एक्सेल टेम्पलेट। फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग हमने आपको बता भी दिया है कि इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जहां पर आप एक्सेल शीट के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ का मंथली कंट्रीब्यूशंस फाइल कर सकते हैं। लेकिन हम यहां से आपको बताने वाले हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम है तो हम डायरेक्ट कैसे अपने एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है, यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द कंट्रीब्यूशन, प्लीज़ यूज़ सप्लीमेंट्री ऑप्शन फॉर अपडेटिंग द MC डेटा। फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बता देते हैं कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ का मंथली कंट्रीब्यूशन यहाँ सबमिट पर जाकर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो इसलिए ये हमें ये मैसेज दे रहा है। तो अब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने जो मंथली कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी फाइल कर रखा है अपने एम्प्लॉयज़ का, अगर उसमें कुछ गलती हो गई है, कुछ मिस्टेक हो गई है, या कुछ चीज़ छूट गई है, तो आप सप्लीमेंट्री के ऑप्शन पर क्लिक करके वहाँ से उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम आगे आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि जैसे आपने, हमने कंट्रीब्यूशंस फाइल कर रखा है तो हम चलान फाइल कर रहे थे लेकिन हम अपना चलान नंबर राइट डाउन करना भूल गए हैं, जिसकी वजह से अब आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बैक आ जाते हैं। उसके लिए आपको जनरेट चलान पर आना है, व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी चलान यहाँ पर शो हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम जो फाइल कर रहे थे वो नवंबर मंथ के लिए फाइल कर रहे थे,
देखिए, हमने चालान फाइल करना चाहा लेकिन किसी कारणवश हमारा चालान फाइल नहीं हुआ और हमने उस चालान नंबर को राइट डाउन भी नहीं किया। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये बन जाती है कि जैसे ही आप नवंबर मंथ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक ऐसा इस तरह का एक पॉपअप मैसेज देना शुरू कर देता है जिसमें कहता क्या है, चालान इज़ ऑलरेडी जनरेटेड। आपने चालान ऑलरेडी जनरेटेड किया हुआ है। अब ये कह रहा है कि आपका सॉल्यूशन क्या है, प्लीज़ गो थ्रू द लिंक मॉडिफाई चालान। एक ऑप्शन यहाँ से डैशबोर्ड पर आपको मिलता है मॉडिफाई चालान और ऑनलाइन चालान डबल वेरिफिकेशन टू चेक द स्टेटस। ये दोनों जो ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं और इसके थ्रू अगर आपको आगे चलना है तो आपको आपका चालान नंबर याद होना चाहिए, लेकिन हमने तो राइट डाउन नहीं किया। तो अब आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही क्रिएट हो गई है कि आपने अपना चालान नंबर राइट डाउन नहीं किया। तो अब आपको करना क्या है, तो आपको अपना चालान नंबर जानने के लिए कि हमारा चालान नंबर आखिर था क्या, तो उसके लिए हम आपको प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप अपना चालान नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस पर ओके पर क्लिक करते हैं और कैंसिल पर आ जाते हैं। इसके बाद आपको जाना है गूगल पर और यहाँ पर जैसे कि देखिए हमारा मोजिला हमने ओपन किया हुआ है, तो आप सिंपल यहाँ पर गूगल टाइप कीजिए। जैसे आप गूगल पर क्लिक टाइप करेंगे तो आप गूगल इंडिया पर आ जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पर गूगल पेज ओपन हो गया है। इसके बाद आपको टाइप करना है ESIC चालान पेमेंट। देखिए हमारा यहाँ से ऑलरेडी ये हिस्ट्री में शो हो रहा है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप आएंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है हमारी स्क्रीन पर ESIC चालान पेमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से आपका एम्प्लॉयर कोड मांगता है, तो हम यहाँ से अपना एम्प्लॉयर कोड ले लेते हैं। हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, इसके बाद हमारा ये आ गया है। फिर कैप्चा हमें राइट डाउन कर लेना है। जैसे कैप्चर करेंगे और सर्च करेंगे तो देखिए जितने भी हमारे चालान पेंडिंग हैं वह हमारी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए हम जो नवंबर मंथ के लिए चालान फाइल कर रहे थे, जिस चालान नंबर को हम राइट डाउन करना भूल गए, वह आपको यहां पर शो हो जाएगा आसानी से। अब आपको अगर चालान का पेमेंट करना है तो आपको सिंपल जाना है उसी मंथ के चालान पर और क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन नज़र आ रहे हो कि आपका कौन सा बैंक है। ऑनलाइन पेमेंट होता है तो आपको अब बैंक सेलेक्ट कर लेना है, हमारा HDFC है। हम यहां पर क्लिक करते हैं और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहां पर अपना एम्प्लॉय यूज़र ID डाल देना है और पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही आप यहाँ से पासवर्ड डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा टोटल मंथ में जितना हमारा चालान था, देखिए यहाँ पर हमारा चालान 2970 रुपये था नवंबर मंथ के लिए, तो यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ से कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर कंफर्म करने के बाद ये आपसे OTP पूछता है। जैसे ही आप OTP डालेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा नवंबर मंथ के चालान के लिए और आप कंप्लीट ही अपना पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद में आप अपना चालान भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो जहां पर हमने आपको लाइव दिखाया कि अगर आप अपना चालान नंबर राइट डाउन करना भूल गए हैं और आप बाद में किसी कारणवश बाद में पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने उस चालान नंबर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।